हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस एंड इन द सीरीज ऑफ सुपर फाइव जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज लास्ट क्लास में भी हमने परसेंटेज डिस्कस किया था एंड व्हाट वी आर डूइंग कि पहले आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम परसेंटेज के डिस्कस करते हैं मीन्स जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओके तो आज के इस वीडियो के अंदर हम परसेंटेज पे बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो कि ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू के अंदर आए हुए थे ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू के अंदर आए हुए थे दैट मीन्स की काफी इंपॉर्टेंट क्लास है सभी ने लास्ट तक सभी क्वेश्चन को चेक करना है और साथ में ही मैं बार बार आप लोगों को हर वीडियो में बोलती हूँ कि सभी ने क्या करना है पेन पेपर साथ में रखना है सो so दैट कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करना है उनको नोट डाउन कर लीजिए दूसरा जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे मिल रहा है उसको साथ में सॉल्व करके देखिए कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ क्या मैं इसको कर सकती हूँ से तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक कितना प्रिपेयर है ओके okay? और मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी ने इसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेने बिकॉज वेरियस टॉपिक्स में से भी परसेंटेज का कंसेप्ट बीच में आ जाता है मे बी द क्वेश्चन इज ऑन टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड का क्वेश्चन आ जाता है या फिर आपके पास में कुछ सम अदर फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है वर्ड प्रॉब्लम आपको मिल जाती है तो वहाँ पे भी परसेंटेज का कंसेप्ट यूज हो जाता है परसेंटेज का कंसेप्ट सभी ने अच्छे से कर लेना इवन नंबर सिस्टम के अंदर भी परसेंटेज का कंसेप्ट बीच में आ जाता है तो परसेंटेज सभी ने अच्छे से करना है देखो हर स्टेप पे गाइड कर रहे हैं बट नाउ इट्स अप टू यू कि हाँ आप हमारे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो डन यस सो करें स्टार्ट आई होप सभी आ गए जल्दी से क्लास के अंदर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे यस एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सी सीसेट 2022 22 का क्वेश्चन है ये क्या है क्वेश्चन व्हेन 70% ऑफ ए नंबर एक्स इज एडेड टू अनदर नंबर वाई देन द सम बिकम्स 165% ऑफ द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन 60% ऑफ ए नंबर एक्स इज एडेड टू सम अदर नंबर जेड अब यहां पे क्या था जो नंबर है एक्स वाई के अंदर एड हो रहा था और यहाँ पे क्या कह रहा है इन अनदर नंबर जेड द सम बिकम्स समस्टेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ जेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कौन सा इसमें से सही है अब देखो हमेशा ध्यान रखो कि जो टोटल वैल्यू होती है टोटल टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट अब जैसे यहाँ पे ही इसने क्या क्या अनदर नंबर वाई दैट मीन्स वी कैन से दिस इज हंड्रेड परसेंट ऑफ वाई हमेशा ध्यान रखना इस पॉइंट को कि अगर आपके पास में कोई भी वैल्यू टोटल में गिवन है इन दैट केस दैट इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट ओके तो आप अब देखो आई थिंक अब इजी हो गया होगा ये पॉइंट आपके लिए क्या कह रहे हैं सेवेंटी परसेंट ऑफ एक्स इज एडिड टू अनदर नंबर अनदर नंबर हंड्रेड परसेंट ऑफ वाई यू कैन सी लाइक दिस ओके टे से सारे परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएंगे वैल्यूज क्या आगे आपके पास में यहाँ पे सेवेंटी परसेंट ऑफ एक्स और यू कैंसिल दिस इज सेवेंटी एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड इधर चला गया सिक्सटी फाइव वाई सिक्सटी फाइव वाई दैट मींस एक्स बाई वाई की जो वैल्यू है That will be equal to what? 65 by 70, or you can say 13 by 40. Okay, or you can say the ratio of x and y is equal to 13 ratio. Okay. अब देखो एक सिंगल लाइन के कितने मिनी यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। I hope सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? next point is what when 60% of a number yes 60% of number x is added to another number z z that means this is 100% this is 100% of z then the sum becomes 165% of z 165% of z Z. Again, you will solve it. क्या गया आपके पास सिक्सटी परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू इधर जाके माइनस हो गया सिक्स परसेंट ऑफ मीन एक्स बाई जेड की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है दिस इज सिक्सटी फाइव बाई सी कैंसिल आउट करेंगे थर्टीन बाई मींस वक्स रेशियो जेड इज इक्वल टू थर्टीन रेशियो अब देखो इस सिंगल क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है आपका रेशियो का भी यहाँ पे कन्सेप्ट यूज हो रहा है ठीक है रेशियो का यहाँ पे आपके पास कन्सेप्ट यूज हो रहा है परसेंटेज का ये पॉइंट जो है वो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए ओके काफी सारे यहाँ पे पॉइंट्स है और आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं फाइंड आउट करनी है आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो आपकी वैल्यूज है एक्स वाई जेड की असेंडिंग ऑर्डर में क्या उनका ऑर्डर रहेगा अब यहां पे देखो x जो है x आप देख रहे हो दोनों केसेस में कितना है थर्टीन है हमेशा जब भी आप इस तरह के रेशियो देखते हो तो उसमें देखो कॉमन क्या है कॉमन क्या है x और हमने उसको इक्वल बनाना होता है ठीक है यू विल मेक इट इक्वल ओके एंड हेयर इट इज ऑलरेडी इक्वल देन देर इज नो इश्यू मीन्स यू कैन से जो वैल्यूज हैं एक्स वाई और जेड की कितनी है एक्स की वैल्यू आ रही है आपके पास थर्टीन इन बोथ द केसेस वाई इज इक्वल टू फोर्टीन एंड जेड इज इक्वल टू ट्वेल्व ओके अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए सबसे पहले क्या आएगा जेड उसके बाद एक्स उसके बाद वाई सॉरी एक्स उसके बाद में क्या है आपके पास में जेड जेड के बाद में क्या आ रहा है आपके पास में एक्स x इज इक्वल टू थर्टीन and वाई इज इक्वल टू फोर्टीन एंड देन वाई क्लियर हाँ जी तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर क्या आ रहा है आपके पास में जेड एक्स वाई क्या जाएगा a will be the correct answer done next देखिएगा हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे अगेन दिस क्वेश्चन वाज आज आस्ट इन ट्वेंटी टू ट्वेंटी के एग्जाम के अंदर आया हुआ था हाँ जी क्या है क्वेश्चन वोटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है वोटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन तो वोटिंग के डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं तो आपको सभी क्लियर करना है अच्छे से अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन आया हुआ था देखो क्या टू कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन एट्टी परसेंट ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स सिर्फ एट्टी परसेंट ने वोट कास्ट करी है एंड देयर वर नो इन वेलिड वोट देअ वाज नोटा नन ऑफ द अबव ऑप्शन एक्स

जो x है x को कितना मिला 56% और जो 56% मिला वो किसका मिला है वैलिड वोट्स का जो उसके पास में जिन्होंने कास्ट करे 80% लोगों ने वोट कास्ट करी थी 80% लोगों ने वोट कास्ट करी थी उसका 56% मिला है और वो वैल्यू आपके पास में गिवन है जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो उसके इसमें ये देखो कि मेरे पास में वैल्यू क्या गिवन है तो यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है 56% जो कि x को मिला है Okay? So let us say कि यहाँ पे जो हैं, हैं, दे दे कर देते हैं, यस, एन आर दे अब उसके अंदर से कितने लोगों ने करा? 80 ने। करा? आप 80 को सीधा भी लिख सकते हो, ओके? अभी यहाँ पे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पूरा एट्टी परसेंट लिख रही हूँ ठीक है एट्टी परसेंट ये कौन हो गए जिन्होंने वोट कास्ट करी है अब उसके बाद में इसके अंदर से एक्स को कितना मिला 56 परसेंट एक्स को कितना मिला 56 परसेंट दैट मीन्स 56 परसेंट इसका और ये वैल्यू आपके पास गिवन है किसके इक्वल गिवन है 14 40 के इक्वल गिवन बस सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है देन यू कैन इजीली सॉल्व ओके okay? तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ गई आपके पास में मैंने भाई आपको बताया अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू याद है तो उसके इसमें आप डायरेक्टली कर सकते हो और परसेंटेज का जब मैंने टॉपिक आपको डिटेल में कराया तो वहाँ पर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज परसेंटेज टू फ्रैक्शन सारा मैंने डिटेल में करवाया आपको और हर एक टाइप ऑलमोस्ट फिफ्टीन टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज पे मिलते हैं सारे टॉपिक सारी जो टाइप्स हैं वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस किए ठीक है ना हाँ जी तो यहां पे थे हम कहां पे आ आगे आपका ये आ गया आपके पास में हां जी पच्चीस और ये हो गया आपके पास में हां जी ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास आ, ये हो गया चौदह से आप इसको कैंसिल आउट करोगे चार से चला गया ये आ, यस दिस इज नाइन्टी हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए क्या है टू कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई कंटेस्टेड ऑन इलेक्शन ठीक है एक इलेक्शन है उसमें एक्स और वाई दो कंटेस्टेंट्स हैं एट्टी परसेंट ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड देयर वाज नो इन वैलिड वोट देयर वाज नो नोट नन ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं है आपके पास में एक्स कोट फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ द वोट्स कास्ट एक्स को कितना मिला है फिफ्टी सिक्स परसेंट मिला है ओके okay? और साथ में उसने एक क्या है एंड वन बाई फोर्टीन फोर्टी वोट्स अब यहाँ पे जो पॉइंट है वन बाई दैट मीन्स वट एक्स got फोर्टीन फोर्टी मोर वोट्स एज कंपेर टू वाई अगर वाई के साथ में उसको हम देखें कि वाई को कितना मिला तो ये कि वाई से उसको कितना ज्यादा मिला है तभी उतनी वोटों से जीतता ना वो क्या कह रहा है कितने लोग हैं ओके okay? तो अब देखो अगर यहां पर जैसे परसेंटेज का कंसेप्ट है तो मैंने परसेंटेज वोटिंग का डिटेल में आप लोगों को कराया है डिटेल में आप लोगों को कराया तो परसेंटेज है, जो परसंटेज है परसंटेज पे तो वो सभी मैंने सभी मैंने माइक्रोवर्स के अंदर डिटेल में सारी की सारी टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करी है सो आई होप सभी ने अच्छे से एक बार कर ली होंगी तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं एक्स और वाई है 80 परसेंट ने कास्ट किया हम कंसीडर कर लेते हैं कि टोटल 100 एक्स वोटर्स थे कोई इश्यू नहीं टोटल कितने हंड्रेड एक्स अब उसमें से वोट कितने लोगों ने कास्ट कर एट्टी ने हंड्रेड का एट्टी कितना हो गया एट्टी ओके okay? अब जो विनर विनर है विनेर कौन है कौन एक्स उसको मिला कितना फिफ्टी सिक्स परसेंट विनर को मिला फिफ्टी सिक्स परसेंट है ना फिफ्टी सिक्स परसेंट ओके और लूजर को कितना मिला टोटल तो हंड्रेड परसेंट होता तो हंड्रेड परसेंट होता है तो, तो विनर लूजर को कितना मिला फोर्टी फोर परसेंट अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना बन रहा है यहाँ पे यस yes. जो विनर है वो कितने परसेंट से जीत गया यहाँ पे आप देख सकते हो कितने का डिफरेंस है 12% का डिफरेंस है है यही कह रहा ये अब okay? हमारे पास में कितनी है हमने कितना कंसिडर किया वैलिड टोटल हंड्रेड थी वैलिड कितना है एट्टी तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे एट्टी एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन फोर्टी क्लियर ये हो गया आपके पास में फोर बाई फाइव बारह बारह एक सौ चौतालीस एक्स की वैल्यू क्या आ गया आपके पास वन फिफ्टी एंड वट इज द क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ वोट्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना कंसिडर किया हमने हंड्रेड एक्स डेट मींस हंड्रेड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी दिस इज फिफ्टीन थाउजेंड क्लियर सो एयर आंसर विल बी ऑप्शन ए ऑप्शन ए फिफ्टीन थाउजेंड विल बी द करेक्ट आंसर डन नेक्स्ट देखिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ये देखो ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है ये वाली जो टाइप है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर कंजम्पशन इंक्रीज डिक्रीज है ना तो अब यहाँ पे जो ये वाली टाइप है इस पर बेस्ड क्वेश्चन ट्वेंटी वन में भी आया हुआ था और बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो ट्वेंटी टू में भी आया हुआ था वैल्यूज आर सेम देट मीन्स कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है सभी एक बार कर लेने जिन्होंने सिलेबस कम्प्लीट कर लिया है टेस्ट सीरीज भी हमारी प्रीवियस ईयर की उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो ओके यस अभी पहले तो हम इसकी बात कर रहे थे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्वेंटी टू के अंदर भी वैसा ही क्वेश्चन आया हुआ है ट्वेंटी वन में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है सो कम ऑन द क्वेश्चन क्या है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट एंड्रीज बाई ट्वेंटी आ रहा है अब यहाँ पे देखो नेट अगर जब भी चेंज देखना हो आपने तो सीधा क्या लगाना है आप लोगों ने सक्सेसिव लगा दीजिए सक्सेसिव का फॉर्मूला डिटेल में करवा चुकी हूँ मैं आप लोगों को क्या है पहले डिक्रीज माइनस ट्वेंटी फिर क्या है इनक्रीज ट्वेंटी प्लस कितना आ गया माइनस ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड डायरेक्टली सक्सेसिव लगा दोगे क्या आ गया आपके पास में यस yes, फाइव और यहाँ से भी क्या आएगा आपके पास में फाइव दैट मीन्स कि जीरो आंसर क्या आ गया जीरो परसेंट यस जीरो परसेंट विल बी द करेक्ट आंसर डन तो अगर आपके पास में इस तरह से वैल्यूज इंक्रीज और डिक्रीज दे रखे इन दैट केस डायरेक्टली आप कर सकते हो ड्रेड से भी कंसिडर करके कर सकते हो अगर मैं कहूँ कि वैल्यू पहले कितनी थी हंड्रेड ओके okay? अब उसने क्या कहा डिक्रीज हो गई बीस परसेंट से कितनी हो गई अस्सी फिर कह रहा है इंक्रीज हो गई ट्वेंटी फाइव परसेंट से कितनी हो गई वन ट्वेंटी फाइव ओके सोल्व करो कितना आ गया पच्चीस पाँच एक सौ पच्चीस पच्चीस चौके सौ और बीस फाइनली वैल्यू कितनी है हंड्रेड स्टार्टिंग में कितनी थी हंड्रेड लास्ट में कितनी है हंड्रेड नेट चेंज कितना है जीरो ओके नेक्स्ट देखिए अब इसी पे सेम क्वेश्चन 22 में आया हुआ था अब यहां पे देखो क्या है इंक्रीज प्राइस ऑफ द सर्टेन आइटम वाज 25 25 देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20 एक बार इंक्रीज हो ट्वेंटी फिर 20 डिक्रीज हो रहा है अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा ओवरऑल दोनों का इफेक्ट कितना रहेगा जीरो परसेंट जीरो परसेंट ओके तो यही सेम पॉइंट यूज करके थोड़ा सा और क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया क्या कह रहे एंड अगेन इंक्रीज बाई टेन परसेंट देन वट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज अब यहां पर जीरो है ठीक है यहां पर अगेन इंक्रीमेंट कितना रहेगा जब दस परसेंट से इंक्रीज हुआ है आगे तो आगे तो, तो दस परसेंट ही रहेगा तो आंसर क्या आ गया टेन परसेंट सिंपल क्योंकि जो पहले की दो वैल्यूज है इनकी तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ रही है जीरो परसेंट आ रही है ओके नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट देखो यस ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है ए स्टूडेंट अपीयर्ड इन सिक्स पेपर छः पेपर दिए हैं उसने द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ऑल द पेपर्स इज सेम हिज मार्क्स इन हिज दीज पेपर्स आर इन प्रोपोर्शन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हेयर यू कैन सी कि जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं yes, यस दो तीन कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर रखा है जैसे यहाँ पे भी रेशियो और परसेंटेज दोनों को मिक्स कर रखा है तो सारे जो कंसेप्ट बार बार आप लोगों को कह रही हूँ मैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना मस्ट है ओके okay, तो यहाँ पे क्या कह रहा है ओवरऑल स्कोर इन हाउ मैनी पेपर डेड ही स्कोर लेस देन ऑफ़ द मैक्सिमम मार्क्स अब अगर मैं कहूँ कि सारे पेपर्स हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स के हैं हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स के हैं तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए पेपर है टोटल सिक्स हंड्रेड मार्क्स के हो गए Okay? अब उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी 60 की मार्क्स कितने हैं उसके टोटल? हो गया डायरेक्टली निकालना आना चाहिए आपको यस थ्री सिक्सटी मार्क्स आए उसके एंड रेशियो इज आल्सो गिवन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, फाइव रेशियो सिक्स रेशियो सेवन रेशियो ओके दिस इज द रेशियो दिज आर नॉट द एक्चुअल मार्क्स ओके अब अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इसके फाइव एक्स आए यहाँ पे उसके सिक्स एक्स हैं सेवन एक्स एट एक्स नाइन एक्स एंड टेन एक्स टोटल अगर हम देखें तो टोटल कितना बन गया 45X. और ये क्या कह रहा है टोटल कितने मार्क्स आए हैं दिस इज थ्री सिक्सटी मार्क्स That means x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गए 360 सिक्सटी बाई फोर्टी ओके कितना हो गया ये एट x की वैल्यू क्या है हमारे पास एट तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर द दब्जेक्ट कितना आ गया In 48 अड़तालीस अब एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे हंड्रेड

उ मेनी नंबर ऑफ पेपर डिड ही स्कोर लेस देसेंट लेसटी देयर आर टोटल थ्री सब्जेक्ट इन विच हीस परसेंट तो आंसर विल बी ऑप्शन बी यस ऑप्शन बी विलेक्ट आंसर ओके क्लियर नेक्स्ट देखिएगा

और फोरन से कितने हो गए रिमेनिंग फोर्टी नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन दैट फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट आर गर्ल टोटल तो हंड्रेड स्टूडेंट्स ही है हंड्रेड है ओके okay. इसमें से गर्ल्स कितनी है फिफ्टी दैट मीन्स की बॉयज कितने हैं फिफ्टी नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन इफ थर्टी परसेंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स ये इंडियन स्टूडेंट्स थे

टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर फिफ्टी इंडियन गर्ल्स आर एटीन दैट मीनस की फोरन गर्ल्स आर माइनस एटीन यस फिफ्टीन माइनस एटीन दैट मीन दिस इज ओके गर्ल्स दैट मीन्स की यहाँ पे अपने पास में गर्ल्स कितनी है थर्टी टू बॉयज कितने हैं क्लियर अब आगे क्या है क्वेश्चन अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आगे क्या है ट परसेंट ऑफ फोरन स्टूडेंट आर बॉयज फोरन स्टूडेंट्स आर बॉइज हेयर यू कैन सी बॉयज आर एट आउट ऑफ फोर्टी दैट मीन की जो परसेंटेज है हमारे पास में वो कितने एट बाई फोर्टी इंटू हंड्रेड मीन्स ट्वेंटी परसेंट क्लियर सो आंसर विल बी ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट तो आई होप सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है दिस वर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू हर बार परसेंटेज से क्वेश्चन आता है सभी ने परसेंटेज अच्छे से करना है ओके okay? अगर आपको माइक्रोवर्सिस के थ्रू प्रैक्टिस करनी है इन दैट केस वी आर प्रोवाइडिंग यू माइक्रोवर्सिस सो दैट कि आपको अलग अलग सोर्सेज से सर्च ना करना पड़े ठीक है आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर आपकी रिक्वायरमेंट का सारा मटेरियल मिल जाए तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप माइक्रोवर्सिस पे जाते हो यहाँ पे तो जो परसेंटेज है यस yes, परसेंटेज है परसेंटेज हमने पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया है जितनी भी टाइप्स हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है इन दैट केस यहाँ पे आपके परसेंटेज के जो कंसेप्ट हैं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पे वेब नोट्स मिल रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल रहे हैं थ्री इसके अलावा आपको टेन वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं टू क्लियर योर कंसेप्ट्स ओके नाव इट्स अप टू यू कि आपको वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है इन दैट केस यू कैन गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यू प्रैक्टिस के लिए यू कैन चेक ओनली द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओके नाव इट्स अप टू यू देखो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अगर हम डाटा पिक करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा uh, एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी सो so आपको यहाँ पर हम एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर पूरा अच्छे से प्रिपेयर करवा रहे हैं तो आपको अगर कहीं से अगर आपको चाहिए कि प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझे चाहिए कोई भी टॉपिक है कोई भी टॉपिक है आपका आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कोई भी आपका टॉपिक है दैट टॉपिक मे बी फ्रॉम जी एस द टॉपिक फ्रेम सी ओके देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर माइक्रोवर्सेज ओके आप सिंगल सिंगल टॉपिक के लिए प्रिपेयर तो इट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच अगर आप लोगों को लगता है दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन लाइक द वीडियो एंड शेयर विद य फ्रेंड्स एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट की जो नेक्स्ट वीडियोज हैं उनका न, न, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके थैंक यू तो बने रहिए अभी मन्यू आइए इसके साथ बेस्ट ऑफ लक